हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने भारत की नींव रखी, जिसने भारत की भविष्य की नींव रखी, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने भारत को न्यूक्लियर का रास्ता दिखाया, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने एटॉमिक पावर में भारत की बहुत ज़्यादा मदद की, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए। और उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने क्या कहा कि ये देश से मैंने शादी कर ली है, इस देश की सेवा से मैंने शादी कर ली है और ये देश ही मेरे लिए सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे होमी जहांगीर बाबा की, एक महानतम वैज्ञानिक, एक महानतम शख्सियत, ठीक है। आज उनकी हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके उन्होंने भारत को बहुत आगे लेके गए और किस तरीके से उन्होंने अपने नॉलेज से, ठीक है, ऐसे रिसर्च सेंटर खोले जिससे आज भारत बहुत आगे जा रहा है और रिसर्च डेवलप हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है जैसे कि होमी जहांगीर बाबा, जैसे कि इनका आप देख ही रहे हैं, इनके चेहरे से ही लग रहा है कि एक महान विद्वान और महानतम एक इंसान है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, इनका जो जन्म होता है, ठीक है दोस्तों, इनका जन्म जो होता है 30 अक्टूबर को 1909 में होता है। कहाँ पे? मुंबई में। होता क्या है कि जो इनके पिताजी होते हैं, इनकी माँ जो होती हैं, माँ इनकी मेहरम जो होती हैं, ये दोनों काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। इनके जो पिताजी होते हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान होते हैं। और इनके जो पिताजी का जो संबंध होता है, जो टाटा हैं, जो जमशेदजी टाटा ये सब हैं, उनसे काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है, ये काफ़ी संपन्न होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब इनका जन्म होता है तो इनमें सबसे खास बात क्या होती है, जब छोटे होते हैं ये बहुत कम सोते हैं। इनके पिताजी को लगता है कि अब मेरा बेटा, जो बच्चे होते हैं इतना सोते हैं, मेरा बेटा इतना कम क्यों सो रहा है। तो ये क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि जो जिन बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, जो बच्चे बहुत तेज़ सोचते हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, एनर्जीज रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि वो कम सोचते हैं, मतलब कम सोते हैं। ये चीज़ जान के इनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि इनका बेटा इतना ज़्यादा दिमागदार है। फिर क्या होता है, इनकी जो माँ होती हैं, इनके जो देखिए कि किसी भी बच्चे, अगर कोई बच्चा है जो बहुत आगे जाता है, आप देखेंगे उसका जो बचपन है बहुत ही सुकून भरा बीता हुआ होता है। इनकी जो माँ होती है काफ़ी प्यारी होती है, काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं, हमेशा उनको गाइड करती हैं, हमेशा उनको भगवद्गीता ऐसी चीज़ें उनको पढ़ाती हैं। और फिर क्या दोस्तों होता है कि इनके जो दादाजी रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे पोस्ट पे होते हैं, और इनके घर में क्या होता है, लाइब्रेरी होती है बहुत ज़्यादा। ये पढ़ने के, इनके जो खानदानी होता है ना, इनके हर घर में मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो होता क्या, इनके घर में लाइब्रेरी होती है। और ये क्या होता है, इनके किताबों में बहुत मज़ा आता था, इनको खेलने में इतना मज़ा नहीं आता था, इनको बुक्स में बहुत मज़ा आता था, पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। और होता क्या है कि ये पढ़ते पढ़ते सिर्फ 14 साल की उम्र में, ठीक है, 12 से लेकर 14 साल की एज में ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक पढ़ डालते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि MSc में पढ़ाया जाता है, इतने ज़्यादा टफ होते हैं, वो इनको तक पढ़ डालते हैं। कैलकुलस वैलकुलस जब 8-9 साल के तभी ये पढ़ डालते हैं। और इनके घर में पूरा पढ़ने का माहौल होता है, इनको पढ़ाई में बड़ा मज़ा आता है, इनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ये क्या होता है, मुंबई की एक स्कूल होती है, जैसे आप पीछे देख रहे होंगे, तो वही वहाँ पे पढ़ते हैं और वहाँ पे हमेशा टॉप करते रहते हैं। इनको मतलब पढ़ने का बहुत शौक होता है। और फिर क्या होता है कि इनके, देखिए, इनके पास पैसा होता है, इनके जो पिताजी होते हैं ये चाहते हैं कि जैसे मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर ले, फिर यहाँ पे जो टाटा की जो कंपनी है वहाँ पे आके जॉब करे। देखिए उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो इंजीनियरिंग है, PhD है, ये सब बहुत मुश्किल होता था, ठीक है, देश इतना डेवलप नहीं हुआ था, इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा नहीं थे। तो वहाँ पर अगर कोई इंजीनियरिंग करके आ रहा है, जो PhD करके आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी उनको, एज ए भगवान, एक मतलब एक ऐसे हायर इंटेलिजेंट के रूप में देखा जाता था। क्योंकि इंडिया में उस वक्त क्या था कि ऐसे लोगों की कमी भी थी, क्योंकि इंजीनियर्स अच्छे लोगों की कमी थी, यहाँ तक कि आज भी आप देखेंगे कि इंजीनियर तो लाखों हैं, लेकिन अच्छे इंजीनियर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पे आप सोचिए कि उनकी क्या वैल्यू होती थी। तो उनके पिताजी ये चाहते थे, लेकिन इनका जो रुझान था, इनका मतलब जब ये मतलब पढ़ते थे, मतलब आइंस्टाइन को पढ़ते थे, गैलीलियो को पढ़ते थे, इनका रुझान फिजिक्स की तरफ होता था, इनका मतलब रुझान उसी तरफ होता था। और क्या होता है कि 15 साल की उम्र में ये क्या करते हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे क्या करते हैं, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अब जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। और सोचिए इनकी एज कम है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एकदम तहलका मचा देते हैं। ये एक ही जैसे एक जब कोई आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे कोर्स होते हैं, तो हर इंसान किसी न किसी कोर्स में वीक होता है। इनका क्या था कि हर कोर्स में टॉप करते थे, मतलब हर सब्जेक्ट में टॉप करते थे, जैसे सब्जेक्ट छः टॉप करते थे। अब ये उनके लोगों को लगता था कि ये कौन इंसान है कि मतलब इतना विद्वान है, इस लेवल पर ये विद्वान है कि हर चीज़ ये कर रहा है, साथ ही साथ ही और भी चीज़ें कर रहे थे, और भी रिसर्च पेपर भी काम करने लगते हैं। ये सुन के मतलब लोग भौचक्का रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि उस टाइम ये स्कॉलरशिप पे जाते हैं, हॉनर स्टूडेंट रहते हैं, इनको ढेर सारी स्कॉलरशिप मिलती है, इनको ढेर सारे वहाँ पे अवार्ड भी मिलते हैं, ये होने लगता है। और ये सुनते हुए मतलब पूरा एकदम आश्चर्य हो जाता है। और जब इनके घर वालों की चीज़ पता चलती है, वो भी काफ़ी गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि उनको तो ये पता ही रहता है कि जो नॉलेज होता है, देखिए जो ज्ञान होता है, वो हमेशा बेस होता है आपके आगे जाने का बेस होता है। इस वजह से इनके पिताजी ये चाहते थे कि जितना नॉलेज वो ले सकते हैं वहाँ पर लें। तो वहाँ भी कहते हैं कि पिताजी उनको सजेशन देते हैं कि बेटा मेरा एक सपना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियरिंग करो।
तो ठीक है, तो ये जब सुनते हैं तो वो उनकी भी बातें मानता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी वो साथ में करते हैं। उसके साथ साथ आखिरी में इनको समझ में आता है कि इनको जाना है फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में। और फिजिक्स में क्या, ये न्यूक्लियर फिजिक्स को चुनते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि जो भविष्य है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का है। देखिए उस टाइम क्या होते थे, E=mc2, ऐसी खोजें हो चुकी होती हैं जिससे ये समझ में आ जाता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर एनर्जी है तो वो देश सबसे ज़्यादा आगे जाएगा जिसके पास एनर्जी है। तो होता क्या है कि ये फिर वहाँ पे काम करना चालू करते हैं, वहाँ PhD करना, डॉक्टरेट करना चालू करते हैं। फिर उसी में क्या होता है कि कॉस्मिक रेज की खोज करते हैं। कॉस्मिक रेज क्या होता है, देखिए कॉस्मिक रेज ऐसे समझिए बहुत ही आज भी ये रहस्य है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले भाभा ने ही बताया था। जो रिसर्च पेपर लिखा भाभा ने ही लिखा, इन्होंने बताया कि जो कॉस्मिक रेज है, देखिए होता क्या है, आप सावर आपके घर में होता है जहाँ से पानी आप नहाते हैं, जब वो टोटी से आता है आप देखेंगे वो थोड़ा सा आता है, पतला सा आता है, लेकिन जैसे ही सावर के पास आता है वो बिखर जाता है, ठीक है, और ढेर सारा पानी आपको लगता है चारों तरफ पानी गिर गया है। वैसे जो कॉस्मिक रेज होती है अंतरिक्ष से बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, तारों से आते हैं, सुपरनोवा से आते हैं, लेकिन जैसे हमारे वातावरण में जब आते हैं टकरा के बिखर जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले भाभा इसके बारे में बताते हैं, जैसे ये चीज़ें उनकी खोजें होती हैं ये सुन के बड़ा सब आश्चर्य होते हैं, और इनको रॉयल सोसाइटी जो होती है, जो साइंस की रॉयल सोसाइटी होती है जो लंदन में है, वहाँ पर इनको इसका मेंबर बना दिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को इनको मेंबर बना दिया जाता है और ये लगातार इसमें काम करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पे भी काम करते हैं, और उसमें ये बताते हैं जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो प्रूफ भी करते हैं। तो इस मतलब ऐसे से चमत्कार एक तरीके से करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के साथ ये काम करते हैं, जैसे नील्स बोहर है, मतलब आइंस्टाइन के साथ भी कुछ टाइम इन्होंने वक्त बिताया होता है, और एक तरीके से पूरी तरीके से विद्वान हो जाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताऊं कि इनको एक चीज़ खटकती रहती है, देखिए वहाँ देखिए बाहर के लोगों का होता क्या है कि वो चाहते हैं कि जो अच्छे साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ ही रहें, बुरे लोगों को उनको नहीं चाहिए, जो कमजोर है उनको नहीं, अच्छे साइंटिस्ट चाहते हैं हमारे यहाँ ही रहें। लेकिन इनके मन में ये बात खटकती थी कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे इतना नाम कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो देश है, मेरा जो वो है, वहाँ तो काफ़ी बर्बाद है, इतना वो गरीब है, इतना आगे नहीं गया है। इनके मन में इनको ये पता रहता है कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो वहाँ पर क्या है, साइंस को डेवलप करना पड़ेगा, साइंस को आगे लेके जाना पड़ेगा। ये सोचते हैं, लेकिन ये आ नहीं पा रहे होते, मतलब खुल के बोल नहीं पा रहे, संकोच करते हैं। लेकिन होता है क्या, 1939 में क्या होता है, वहाँ पे युद्ध चालू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें क्या होता है, इनको मौका मिलता है यहाँ पे आने का, और जब ये आते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि ये आते ही जैसे जो ISC है, IISC करके, जो बेंगलुरु में है, जो रिसर्च के लिए आज भी अगर आपको रिसर्च में जाना है, अगर आपको रिसर्च में बहुत बेहतरीन काम करना है इंडिया में, तो उससे बेस्ट इंस्टीट्यूट कहीं नहीं है। मैं तो कहूँगा इंडिया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी वो टॉप लेवल पे आती है, क्योंकि टॉप प्रोफेसर वहीं पे हैं। तो जो सी वी रमन होते हैं, नोबेल प्राइज विनर होते हैं, क्या होता है तो वो इनके अंडर में क्या है, एज ए लीडर वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर काम करना चालू करते हैं। और ये काम करते करते इनको ये समझ में आ जाता है कि देखिए होता है जो विश्व द्वितीय विश्व युद्ध चालू रहता है, वहाँ पर न्यूक्लियर की बातें आती हैं, सब कुछ बातें आती हैं, तो इनको ये पता रहता है अगर भारत को आगे जाना है, अगर भारत को आगे जाना है तो भारत को न्यूक्लियर पावर बनाना पड़ेगा। देखिए कभी कभी दोस्तों ये होता है ना कि उस टाइम पे क्या था कि भारत मतलब शांति देश बना रहना चाहता था, लेकिन होता क्या है कि जब आपके ऊपर कोई आप शांति, आपके पास हथियार नहीं, सब चुप आप शांत हैं, कोई तीसरा आपको दो चार हाथ मार के आपका सब छीन के लेके चला गया, अब क्या करेंगे वहाँ पे? अब उसे सोचेंगे चलो उसे डिस्कस करेंगे तो भी मार देगा, तब आप क्या करेंगे? तो किसी भी देश के सामने बात करने के लिए क्या होता है, उनको न्यूक्लियर पावर चाहिए होता है, क्योंकि हर देश न्यूक्लियर पावर बना रहा था। तो ये चीज़ देखते हुए जो भाभा थे उन कहते हैं कि हमको न्यूक्लियर पावर में आगे बढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर वेपन्स हमको बनाने ही पड़ेंगे, जिसके तहत उनको ये पता हो जाता है कि यूरेनियम जो होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं। उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नेहरू होते हैं, ये जाकर उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि अगर देखिए देश को आगे जाना है तो क्या होगा, हमको मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ में ये क्या होता है कि एक रेडियो मतलब वो होता है जैसे कि मतलब वार्ता चलती रहती है, तो उसमें ये अनाउंस कर देते हैं कि लगभग 18 महीने में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, ठीक है, इसके तहत ये अनाउंस करते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये क्या होता है, ये काफ़ी सारा काम करते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि एटॉमिक रिसर्च कमेटी जो होती है उसके ये मेंबर बन जाते हैं, उसके हेड बन जाते हैं। उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ प्रस्तावना रखते हैं कि हम क्या करें, एक TIFR, ठीक है, टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके है, उसकी स्थापना करने के लिए बात करते हैं। इसमें टाटा का भी सपोर्ट होता है और प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका भी सपोर्ट होता है, जिसके थ्रू ये रिसर्च सेंटर बनाया जाता है। ये रिसर्च सेंटर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ताकि अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे लोगों को अच्छे साइंटिस्ट बना सके, इंडिया में अच्छे अच्छे लोगों को चूज करके उनको अच्छी ट्रेनिंग देके उनको अच्छे साइंटिस्ट बना सके, ताकि अच्छे रिसर्च हो सके। आज मैं आपको बता दूं जो टीफर है, जो TIFR है, जिन्होंने जो भाभा ने बनाया था, मतलब महानतम भाभा ने बनाया था, वो क्या करती है कि वो सबसे
देखिए जैसे आईएएस होता है वैसे टीफर है, जैसे आईएएस के एग्जाम में साइंस में इंडिया में जो सबसे टफ एग्जाम होता है वो टीफर होता है, लेकिन जरा सोच के देखिए आईएएस के लोग, आईएएस के लिए लोग इतना मरते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन साइंस में आज भी इंडिया को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, तो उसकी नींव मतलब भाभा नहीं रखी थी। अब मैं आपको एक भी चीज़ बता दूँ, जो मतलब होमी जहांगीर भाभा थे ये बहुत ही अच्छे पेंटर थे, ठीक है, और पियानो बहुत ही बेहतरीन बजाते थे। जब इनके बाद घर में जब पार्टी होती है तो लोगों को पता नहीं होता है, तो लोग इनको बोलते हैं, इनके पिताजी सब लोग बोलते हैं कि बेटा कुछ बजाओ, कुछ गाना गाओ, उस वक्त ये पियानो बजाते हैं, लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि मतलब एक इंसान जो इतना दिन भर पढ़ता रहता है वो पियानो भी इतना बेहतरीन बजा सकता है। तो इनके भी एक काफ़ी क्रिएटिव होते हैं ये, काफ़ी पेंटिंग बहुत बेहतरीन से बेहतरीन करते हैं, इनको पेंटिंग का शौक होता है। आप टीफर में जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग ऐसी रखी हुई हैं, तो इनको उसमें भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। उसके बाद क्या होता है बार्क, ठीक है, जो बार्क है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करके है, इसकी भी नींव भाभा ही रखते हैं। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं न्यूक्लियर, ठीक है, एटॉमिक, इन सब की जो नींव रखते हैं भाभा ही रखते हैं। मतलब अगर ये जिंदा होते दोस्तों आज ये भारत को सुपर पावर बना देते, ठीक है, लेकिन भारत साथ हमेशा एक श्राप लगा है जैसे भारत में कि जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, विवेकानंद, रामानुजन, भाभा, ऐसे ऐसे लोग, ठीक है, बहुत कम वक्त में चले गए ऊपर, ठीक है। तो ये भारत को श्राप जैसे मिला है, ये बहुत ही भारत साथ एक देखा जाए तो भारत में बहुत गलत भी हुआ है। तो फिर ये ऐसे सारे काम करते हैं, लगातार काम करना चालू करते हैं। फिर क्या होता है कि अमेरिका में क्या होता है कि एक मतलब वो होता है सेमिनार टाइप का होता है, फिर इनको वहाँ पे जाना होता है। और देखिए इसमें कुछ ये भी तथ्य लगा जाते हैं कि जो भाभा थे उनको CIA ने मारा, ये मारा, अब इसको चर्चा करते हैं ये कैसे हुआ। फिर वहाँ पर जाते हैं, फिर वहाँ पर डिस्कशन होता है, अमेरिकन से पूछते हैं कि आप जो ये आपका ये न्यूक्लियर वेपन है कब तक बना सकते हैं, तो ये बताते हैं कि हम इसको लगभग 18 महीने के अंदर हम बना सकते हैं अगर हमको गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे। इसके बाद क्या होता है कि जब ये बातें वहाँ पे होती है, जब ये आते हैं, ठीक है, इनका जो जहाज़ होता है वो क्या होता है टकरा जाता है। देखिए अब होता क्या, जब कोई जहाज़ टकराती है उसमें क्या होता है, जब कोई जहाज़ टकराएगी उसके जो मलबे होंगे पास पास होंगे, लेकिन इनका जो मलबा था जब टकराने मतलब जो हुआ दुर्घटना हुई इसमें क्या, तो मलबे बहुत दूर दूर तक थे, और उसमें जो ब्लैक बॉक्स पाया गया उसमें ये भी कुछ मतलब पाया गया कि हो सकता है इसमें रॉकेट से अटैक किया गया हो। अब मैं आपको बता दूँ एक क्या था, एक वो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे डिस्कशन होता है, एक लीक हुआ था उसमें ये पाया गया था कि जो भाभा थे उनको CIA ने पूरी तरीके से मारने का प्लान बनाया था, उसके तहत इनको मारा गया था। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो न्यूज है जो CIA को जो CIA का प्लान है भाभा को मारने का, एक तरीके से ये न्यूज कवर अप है, मतलब ताकि TRP बटोरी जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज भी से बहुत सारी थ्योरीज है, इस पर अभी डिस्कशन हो भी रहा, रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये किसी कैलकुलेशन पे नहीं पहुंचा है कि भाभा की मौत किस तरीके से हुई। लेकिन ज़्यादातर ये मानते हैं कि मतलब प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करूं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।